हमारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन आता है बार बार कि सर हमें क्या करना चाहिए, महाराज हमें क्या करना चाहिए। ये प्रश्न, इसका एक जवाब आपको बहुत सारे मिलते हैं और वह जवाब आपको भ्रमित कर देते हैं, वह जवाब आपको कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो वह जवाब क्या है, मैं आपको सच इसका वास्तव में राइट आंसर क्या है, हमें क्या करना चाहिए, मैं कौन सा कोर्स करूं, मैं किस जॉब के लिए अप्लाई करूं, मैं क्या सीखूं, इस तरह से न जाने हजारों प्रश्न। इसका एक जवाब है, इसका जवाब आपको क्या करना है, यह प्रश्न आप खुद से पूछिए। इस प्रश्न का जवाब आपको खुद मिलेगा, आप खुद से पूछिए। सपोज करिए आपने पूछा कि सर मैं क्या करूं जो बेहतर होगा, तो बेहतर तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर वो आदमी कह दे कि यार जिलाधिकारी बनना बड़ा बेहतर है, जिलाधिकारी बन जाओ। किसी से आपने पूछा, वो कह दिया यार एमएलए बनना बहुत अच्छा है, चलो विधायक बन जाते हैं। अच्छी बात है, विधायक बनना भी बहुत अच्छी बात है। किसी ने कहा यार नहीं विधायक से अच्छा उससे ऊपर चलते, क्या बनने, सांसद बन जाते, वो भी बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा तो है, अब उससे ऊपर उठ जा रही यार छोड़ो ये सब, मंत्री बन जाते हैं, अरे चीफ मिनिस्टर होंगे, बत्ती मिलेगी, लाल बत्ती मिलेगी, चारों सुविधाएं मिलेगी, यार ये तो बहुत अच्छा है। अरे नहीं नहीं यार, किसी ने सजेस्ट किया नहीं, सीधे चीफ मिनिस्टर बनते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ये तो पूरा स्टेट आपके अंडर में आ जाएगा। किसी ने कहा नहीं नहीं यार इन सब तमाम को हटाओ और मारो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अरे मेरे भाई जरा सोचो, अच्छा तो ये है प्रधानमंत्री बन जाना, मुख्यमंत्री बन जाना, एमएलए बन जाना, जिलाधिकारी बन जाना, एसपी बन जाना, इंजीनियर बन जाना, डॉक्टर बन जाना, अच्छा तो है, लेकिन क्या आप इसके लायक हैं कि नहीं, प्रश्न ही उठता है कि आप इसके लायक हैं कि नहीं, क्या आपकी मेहनत, आपका सोच, आपकी आपकी रुचि उसमें है कि नहीं। अगर हमें कहा कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो मेहनत करना है, जो समाज सेवा करना है, जो जो मार्ग मिलता है उस पीएम के पोस्ट पे जाने की, क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो पता चलेगा नहीं नहीं सर आई डोंट लाइक दिस द पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो जब मेरे भाई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप कैसे बन सकते हो, आप वो तो छोड़ दो, आप ये गांव का प्रधान नहीं बन सकते, आप सभासद नहीं बन सकते, मुखिया नहीं बन सकते, तो वो तो बहुत दूरी बात, यानी ये तो निकल गई कि आप नहीं बन सकते। चलो दूसरी बात सोचते, तो क्या बन सकता हूं, पूछो अपने आप से, ये अपने आप से पूछो, एक बार नहीं हजार बार पूछो और बार बार ये प्रश्न पूछो अपने आप से कि मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या अच्छा लगता है, अपने आप से पूछो, आपको जवाब मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा। और वो जो जवाब मिलेगा दुनिया का कोई भी कंसल्टेंट नहीं दे सकता, कोई भी सलाहकार आपको नहीं दे सकता, इवन मैं भी नहीं दे सकता आपको कि आपको ये करना चाहिए। हाँ मैं जो बीते हुए जो लोग पाए हैं पास्ट में उनके आधार पर कह सकता हूं कि हाँ इसका स्कोप अच्छा होता है, इसमें ये चीजें हो सकती है अगर आप ऐसा करते हैं तो। यही कारण है कि मुझसे जब कोई प्रश्न करता है, जॉब की गारंटी है, नौकरी की गारंटी है, अरे महाराज आज इस जीवन की गारंटी नहीं है, जॉब की गारंटी की पड़ेगी। आज आप बात कर रहे हैं कल नहीं कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कौन दे सकता है गारंटी, ये बहुत बड़ा धोखा है। और ये शब्द आप सुनना चाहते हैं इसीलिए लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं कि मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको नौकरी दूंगा। दुनिया का कोई भी इंसान नौकरी नहीं दे सकता आपको, हाँ उसके रास्ते उसके मार्ग बता सकता है। नौकरी देने वाली कोई चीज ही नहीं होती, नौकरी कोई वस्तु नहीं है कि उसको उठाकर दे दिया जाए, लेकिन लोग यही समझना चाहते हैं, स्टूडेंट्स यही सुनना चाहता है कि अगर आप कहो महाराज कि हाँ नौकरी मिलेगा तो यह स्थिति ये अच्छा है, लेकिन होता क्या है। अगर इसको जानना ही है, इसको जानना है, परखना है जो मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, जो भी आपसे कहता है कि आप मुझे नौकरी देंगे, नौकरी की गारंटी है, आप सीधे जाइए और बाजार से जहां पे भी कचहरी तहसील जहां भी होगा आपके स्टेट में आपके वहां पे आप 10 और 20 50 जो भी स्टम्प पेपर मिले उसको लेके जाइए, कहिए सर जो भी पैसा दे रहे हैं हमसे कुछ बढ़ा के ले लीजिए, इस पर राइट रिटर्न में दे दीजिए, जरा मुझे इस पर रिटर्न में दे दीजिए कि मैं आपको नौकरी दूंगा। उसी दिन दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा, वो लिखकर नहीं देगा, कभी भी लिखकर नहीं देगा कि मैं आपको नौकरी दूंगा, वो कहेगा जरूर लेकिन लिखकर नहीं देगा। अब इतना समझने के लिए बेवकूफ तो नहीं है आप, मेरा ये मानना है, मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी, उन लोगों को
जो गलत करना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं, उनको बुरी लगेगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई बेचा कोई भी स्टूडेंट ठगा जाए। आप पैसा अपने ट्रेनिंग पर खर्च करिए, आप ट्रेनिंग पर खर्च करिए, सरकारी करिए, प्राइवेट करिए, लेकिन अब उस चीज में सीखिए, ये देखिए कि मैंने ये पैसा अगर खर्च किया है तो क्या सीखा है, क्या लर्न किया है, क्या अब इसके लिए हमारे लाइफ में क्या है। अब इंटरेस्ट आप अपना डेवलप करिए। सब लोग कहेंगे, बहुत सारे सेमिनार्स होंगे, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स होंगे, उस मोटिवेशनल प्रोग्राम में सब लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। क्या करना चाहिए? मैं अगर राय देता हूं तो अपनी सोच के हिसाब से राय देता हूं, मैं जो समझता हूं उसके हिसाब से राय देता हूं। मैं एक राय रख सकता हूं कि ऐसा हुआ है, आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या करेंगे। तो अपने आप से प्रश्न करिए कि मुझे क्या करना है, किसी दूसरे से मत पूछिए। सपोज करिए किसी दूसरे से आपने पूछा और वो अपने हिसाब से आपको राय देगा, जब अपने हिसाब से आपको राय देगा तो फिर कहानी वहीं फंस जाएगी और आप गलत रास्ते पे। कभी देखकर फैसला मत करिए कि मेरा दोस्त जो गया वो मेडिकल की तैयारी करने के लिए गया तो मैं भी मेडिकल जाऊंगा, मेरा दोस्त इंजीनियरिंग के लिए। अब यहां डिसाइड करो कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपका मन किस में लगता है। जब इस चीज को जिस दिन आप समझ लेंगे, मैं कहता हूं इलेक्ट्रिशियन का काम है, हमें बिजली बनाने में बड़ा मन लगता है, बिजली का काम करने में मन लगता है, तो फिर दूसरा कुछ मत सोचो, आगे बढ़ो, यही काम करो। चलो आगे थोड़ा सा और मैं आपकी मदद करता हूं, मेरा काम कंप्यूटर पर लगता है, मैं कंप्यूटर में काम करता हूं, चलो कंप्यूटर की तरफ आगे बढ़ेंगे, इसको अपना करियर बनाएंगे। मेरा मन लोगों को समझाने में लगता है, लोगों को बताने में लगता है, मेरा मन स्पीच देने में लगता है, मेरा मन लिखने में लगता है, चलो भाई इसके लिए बेहतर है। एक ऐसा फील्ड है जहां पे दिन रात बोलना ही है, दिन रात बोलना है, दिन रात लिखना है, क्या है, सेफ्टी फील्ड चलते हैं, वहां पे हेल्थ सेफ्टी है, थोड़ा सा और बेहतर हुआ। अगर इंग्लिश अच्छी है, समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, चले जाए इसमें, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। थोड़ा कम है, थोड़ी दिक्कत है, चलो फायर सेफ्टी में चलते हैं, जहां पे आपको नेतृत्व करने का काम मिलेगा। एक सेफ्टी ऑफिसर राजनीति कर सकता है, ये जान लीजिए, एक सेफ्टी ऑफिसर नेता बन सकता है, लेकिन एक नेता सेफ्टी ऑफिसर नहीं बन सकता, जी हाँ, वो नहीं बन सकता। इसी के साथ मैं कोशिश करूंगा कि लोगों से पूछने के बजाय आप खुद से पूछिए, एक बार पूछिए, आपको जवाब मिलेगा, निश्चित मिलेगा, और उस जवाब से आप 100% सेटिस्फाई हो जाएंगे। शायद मेरे जवाब से ना हो, लेकिन उस जवाब से 100% सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो मेरा कहना क्या है, आगे बढ़िए, बैठिए नहीं, आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूं। 18 राज्यों में मैंने काम शुरू किया है, उसमें कोई तो काम कर सकते हैं आप, आगे बढ़िए, या घर बैठे रहेंगे और कहते रहेंगे मैं गरीब हूं, मेरे पास समस्या है। आगे बढ़ो और काम करो, मैं आपके साथ हूं। अगर मेरी बात कोई बुरी लगती हो, मुझे वापस कर देना, मत ले जाना, जो अच्छी लगती है उसी को ले जाना, इसी चैनल पे छोड़ देना। हाँ, आपकी जो नकारात्मक बातें आती हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं लेता हूं, जो अब आपकी बात अच्छी लगती है मैं उसे रख लेता हूं, आप भी ऐसा ही करिए। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।